गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको लेसन नंबर 12 पढ़ा रही थी। कल मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा ही दिए हैं कुछ तो। पहले हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, कल मैंने आपको कराए थे सही विकल्प, ठीक है। आज मैं आपको करा रही हूँ इसके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान नंबर एक है, का है, शब्द है, शब्द व्यक्ति को सभी क्या करते हैं, पसंद करते हैं, को सभी लोग पसंद करते हैं। सेकेंड है, खाए बेटा, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट गा है, हमें सदे सत्य बोलना चाहिए। दूसरों का हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए, हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए। हमें ये नहीं है कि कल पर डालना चाहिए, हमें सभी कार्य समय पर करने चाहिए। आप रॉन्ग राइट देखो, अशिष्ट व्यक्ति को असभ्य कहा जाता है। सही गलत का मैं केवल ऑप्शन लिखवाऊंगी, सही गलत। पहले का जो है सही है, दूसरा है बड़ों से बहस करनी चाहिए गलत, जो दूसरा है उसका गलत है। तीसरा है हमें सबके बोलना चाहिए, सही। थर्ड का सही है, हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए जो हमें उपहार दे, बिल्कुल सही। फोर्थ नंबर का है सही। ये आप बुक में लगा लेना, अपने निशानी में कॉपी में बनना है। एक बार बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ओरल करवा देती हूँ मैं आपको बेटा, ओरल देखें आप। रिक्तिस्थान लेसन नंबर 12 है, शिष्टाचार, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। तो सब व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं, जो दूसरों का सम्मान करते हैं, धीरे बोलते हैं, हैं, और किसी से बहस नहीं करते, यानी सभ्य व्यक्ति कहा जाता है, शिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। तो उसका सभी लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं।
हमें अच्छी बातें करनी चाहिए जो किसी को दुख नहीं पहुंचाए, हमें ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच का सच ही बोलना चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए। अब खालिस्तान में जो सही गलत है उसमें पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका सही है, चौथा आपका गलत है। एक बार पढ़ लेते हैं सही गलत। आशिष्ट व्यक्ति को असभ्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बड़ों से बहस करनी चाहिए, नहीं, बड़ों से हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए जो हमें उपहार दे, उपहार का कोई भी वस्तु हमें कोई दे रहा है तो हमें उसे धन्यवाद कहकर ही लेनी चाहिए, ठीक है। बिना धन्यवाद के आपको कोई वस्तु, जैसे आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, आपने किसी विनम्रता से वस्तु मांग ली है ना, फिर उसके बाद आप उसे लौटा रहे हो तो आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, ठीक है, कि आपने मेरी हेल्प की। उसके बाद कोई आपको गिफ्ट भी दे रहा है तो आपको उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए। लेसन बहुत अच्छा है, रेगुलर आप अपना